आज 73वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी उद्योगपति भाई बड़े प्रसन्न हैं और पूरे नोएडा को और पूरे भारतवर्ष को इसकी बधाई देते हैं। 73 वर्ष बाद पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि शायद हम अब आज़ादी हैं। आज़ादी हमने नहीं देखी, पर इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को एक आज़ादी दिलवा के हमें आज़ादी सामने दिखाई। हमें लगा कि वाकई अब अखंड भारत है। हम अखंड भारत की बात करते थे प्रत्येक वर्ष, पर वो अखंड भारत नहीं था। अब एक देश एक झंडा पूरे भारतवर्ष में लहराएगा, इससे बड़ी आज़ादी क्या मिलती है। हम सभी उद्योगपति भाई बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। लगता है कि अब पूरा भारतवर्ष हमारा अखंड भारत। आपको लगता है जो ये चीज़ हुआ है वो संवैधानिक तरीके से हुआ है? देखिए, आज की डेट में कहते हैं, आप पुरानी बात करें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरा का पूरी जो पार्लियामेंट है, अगर वहाँ से कोई भी चीज़ निकल के पास होके जाती है तो उसको हम संवैधानिक ही कह सकते हैं। तो इसमें जम्मू कश्मीर स्टेट का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली का अपना भी से होता है, अपना भी कहना होता है, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया, ऐसा विपक्ष दल कह रहे हैं। तो क्या आपका क्या मानना है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है? ऐसा बहुत सारे विपक्षी कुछ भी कहें, शायद मुझे लगता है कि इन विपक्षियों की वजह से ही हमें 73 वर्ष लग गए यहाँ तक पहुँचने। अगर विपक्ष पहले से ही सरकार का साथ देता, देश का साथ देता, तो ना आज आतंकवाद बढ़ता, ना आज इतने हौसले किसी दूसरे मुल्क के होते कि जो हमारे देश की तरफ कहीं आक्रमण करने की सोचता। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों की वजह से ही। चलिए सर, कुछ संदेश सर आपके आसपास के लोगों के लिए? सिर्फ उद्योगपति भाइयों को यही एक संदेश देंगे, क्योंकि हमारा नोएडा धीरे धीरे अब कॉन्क्रीट का जंगल बनता चला जा रहा है, तो यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ आप पेड़ लगाएं। जल हमारा ख़त्म होता जा रहा है, तो जल को किसी तरीके से सेव करें, सेव वाटर और प्लांटेशन करें।